फ्रॉम स्टूडियो पर्पल इंटीरियर डिजाइन। हमारा चैनल जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नए दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि हमने यहाँ पर लिंक्स दी हैं हमारे पहले वीडियोस की, उन्हें जरूर देखिए। आज हम बात करने वाले हैं इंटीरियर डिजाइन ट्रेंड्स विच आर हियर टू स्टे, इंटीरियर डिजाइन ट्रेंड्स जो हमेशा अपने साथ रहने वाले हैं। इसमें सबसे पहले टॉप करता है ग्लास। ग्लास इज अ वेरी वर्सेटाइल मटेरियल, इट कम्स इन अ लॉट ऑफ कलर्स। बहुत सारे कलर्स में ग्लास आती है। देयर इज ब्राउन टिंटेड, देयर इज ग्रे टिंटेड, यू नो देयर आर मिरर्स एज वेल। खास करके जब फर्नीचर आता है उसमें जब ग्लास यूज होता है देन इट लुक्स वेरी सोफिस्टिकेटेड। तो ग्लास इज डेफिनेटली हियर टू स्टे। और अगर आपको ग्लास में एक्सपेरिमेंट करना है कुछ और, तो देयर आर आर्टिस्ट जो ग्लास के ऊपर काम करते हैं और उसको अलग ही लेवल पे लेकर जा सकते हैं। तो यू कैन हैव अ वेरी कस्टमाइज्ड फिनिश, एक आपके लिए स्पेशल फिनिश बन सकती है ग्लास में। तो ग्लास इज डेफिनेटली हियर टू स्टे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कलर्स, क्लासिक ब्लू पैंटोन कलर ऑफ द ईयर 2020 है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो क्लासिक ब्लू एक बहुत ही अच्छा कलर है जो सबको पसंद आता है एंड बहुत सालों से हम इसको यूज कर रहे हैं। क्लासिक ब्लू व्हाइट कलर पैलेट पे बहुत ही अच्छा सूट करता है। इट जनरली गोज विद अ लॉट ऑफ कलर स्कीम्स। जैसे अगर आप उसे रेड्स के साथ यूज करेंगे तो वो बहुत ही सुंदर लगेगा। वुड फिनिशेस के साथ भी ब्लू बहुत ही अच्छा लगता है। सो ब्लू कलर इज हियर टू स्टे, इट इज एवरीबॉडीज लव्ड कलर। मॉड्यूलर फर्नीचर इज हियर टू स्टे। आजकल मल्टीपर्पज फर्नीचर यूज होता है। देर इज अ बेड विच गोज ऑन द वॉल, देर इज मल्टीपर्पज पार्टीशन शेल्विंग, देर इज ऑफकोर्स मॉड्यूलर किचन। तो आजकल मॉड्यूलर फर्नीचर इतने इम्पोर्टेंट हो गए हैं बिकॉज देर इज लैक ऑफ स्पेस। बहुत सारे लोग छोटे अपार्टमेंट्स में रहते हैं जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। तो मॉड्यूलर फर्नीचर जो होता है वो बहुत ही काम आता है लोगों को एंड इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर पीपल हु डोंट हैव देयर हाउसेज एज वेल। जो रेंटेड में रह रहे हैं वो दूसरे घर में भी उसे लेके जा सकते हैं। सो घरों में मॉड्यूलर फर्नीचर इज वेरी मच इन। वी कैन ऑल्सो लुक एट सॉफ्ट फर्निशिंग्स। यू कैन यूज वर्सटाइल सॉफ्ट फर्निशिंग्स। जैसे पर्दे होते हैं घर में, सपोजिंग देर आर फाइव विंडोज इन द हाउस और सबकी साइजेस सेम जनरली होती है, तो आप क्या कर सकते हो कि विंडो कर्टन आप इंटरचेंज कर सकते हो फ्रॉम वन रूम टू द अदर रूम फॉर अ फ्रेश लुक। एंड यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन अ लॉट ऑफ थ्रो पिलोज एंड विच कैन बी इंटरचेंज इन द डिफरेंट रूम्स। जैसे कि सॉफ्ट फर्निशिंग में रग्स भी आते हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो क्या होता है कभी हम बोर हो जाते हैं कि एक रूम में मुझे एक ही थ्रो पिलोज दिख रहे हैं, तो उसे उठाकर आप बेडरूम में लेके जा सकते हो। लिविंग रूम की थ्रो पिलोज को आप बेडरूम में रखिए। बेडरूम में आपने जो रग रखा है उसको आप कुछ समय के लिए लिविंग रूम में लेकर आइए। सो सॉफ्ट फर्निशिंग्स जो आप यहां से वहां यूज कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो, इसमें आपने इन्वेस्ट करना चाहिए। ये बहुत ही ट्रेंडिंग है आजकल। देन व्हाट इज ट्रेंडिंग इज द आर्ट ऑफ लेयरिंग। मैं आपके लिए सिंपल कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आर्ट ऑफ लेयरिंग क्या होता है इंटीरियर्स में। फॉर एग्जाम्पल, यू आर हैविंग अ सोफा और सोफा के ऊपर आपको थ्रो पिलोज रखने हैं, तो आपको इस्तेमाल करना है टेक्सचर का, पैटर्न का और कलर का। तो आपके जो थ्रो पिलोज होते हैं वो वन ऑफ देम कैन बी इन अ स्ट्रॉन्ग कलर, एक जो है वो टेक्सचर हो सकता है और एक जो है उसपे ग्राफिक डिजाइन हो सकती है। दैट इज वॉट यू कॉल एज लेयरिंग। देन इफ यू लुक एट वॉल पेंट, जब आपका वॉल पेंट होता है तो एक जगह पर आप रफ वॉल पेंट कीजिए, एक जगह पे आप टेक्सचर बना दीजिए और जैसे कि पैटर्न्स बनाइए स्ट्राइप्स का, दैट इज कॉल्ड लेयरिंग। यू कैन ऑल्सो प्ले विथ लाइट्स, कहीं पर आप सॉफ्ट लाइट दीजिए, कहीं पर आप ब्राइट लाइट दीजिए। दिस इज कॉल्ड लेयरिंग इन इंटीरियर डिजाइन एंड ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग है एंड एवरीबडी इज लविंग इट, क्योंकि उससे अलग अलग मूड्स तैयार होते हैं। सो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और कुछ ट्रेंडिंग जो डिजाइन ट्रेंड्स है उसके बारे में बात करेंगे। डेफिनेटली हमारा अगला वीडियो जरूर देखिए। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए एंड रिमेम्बर टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो टू शेयर आवर वीडियोस टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई विल सी यू।